देखो, लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखा था, मतलब कन्वर्जन ऑफ वन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनटू, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनटू अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो कन्वर्जन कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं, मतलब जो बाकी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है उनका यूज करके हम इनवर्स की प्रॉपर्टीज को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, देखो, जैसे सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अब ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, एक्स आ गया फिर रूट आ गया फिर वाई आ गया फिर रूट आ गया, मतलब क्या है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है। इसका जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है वो होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, कैसे होता है हम देख रहे हैं, ठीक है। तो लेट, इसका मैं प्रूफ करवा रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो साइन ए इक्वल टू हो गया एक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग में कॉस ए अगर मुझे लिखना है तो क्या बनेगा, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से साइन इनवर्स वाई को मैंने ले लिया बी, तो क्या बना, साइन बी इक्वल टू हो गया वाई, कॉस बी इक्वल टू हो गया रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स को अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो हमने फॉर्मूला किसका लगाना है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या बनेगा, ये साइन इधर आ गया, ये ए है ये बी है, क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, हो गया। अब देखो, तो दिस इक्वल टू, अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या थी एक्स, साइन बी की वैल्यू क्या है, सॉरी कॉस बी की वैल्यू क्या है, रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉस साइन बी की वैल्यू क्या है वाई, एंड कॉस ए की वैल्यू क्या है रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इन सब की वैल्यू मैंने यहां से निकाल के उसमें पुट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, इट इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इक्वल टू, ये साइन था इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या बना, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह क्या दोबारा लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह दोबारा क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स वाई, तो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने क्या अज्यूम किया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए लिया, तो साइन ए क्या बन गया एक्स, तो कॉस ए क्या बन गया रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई को मैंने लिया बी, साइन बी क्या हो गया वाई, कॉस बी क्या हो गया रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला किसका लगा रहे हैं, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमारे पास क्या हो गया, यहां सारी वैल्यू में रख रहा हूं, एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर वाला साइन उधर जाएगा, क्या बन गया साइन इनवर्स, ए प्लस बी था, ए की जगह क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स,
बी की जगह क्या हो गया साइन इनवर्स वाई, मतलब फॉर्मूला बना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला ऑब्वियसली हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड फॉर्मूले में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सेम पैटर्न में करना है। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ x और y वगैरह सब कुछ जो लिख रहा हूँ, हमने ऑलरेडी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सबकी डोमेन को देखा हुआ है, डोमेन और रेंज को। यहाँ पर x और y का जो डोमेन होगा माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू के बीच में होगी। ठीक है, तो उस डोमेन और रेंज को भी दिमाग में रखते हुए ही हमको सारे फॉर्मूले को डिराइव करना। ठीक है, सारे फॉर्मूले को अप्लाई करते समय जो डोमेन और रेंज दी भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बिल्कुल सेम पैटर्न है। लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो क्या बना कॉस ए इक्वल टू एक्स, तो मतलब साइन ए रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी, तो बन गया कॉस बी इक्वल टू वाई साइन बी इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई दोनों हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्या लगेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉस इधर आ गया, फॉर्मूला क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, फॉर्मूला ही पुट कर रहे हैं। कॉस ए का मतलब एक्स, कॉस बी का मतलब वाई, साइन ए का मतलब रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का मतलब रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू थी कॉस ऑफ ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी क्या बन गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह क्या है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला, अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं तो बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला।
फिफ्थ नंबर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। यहां ध्यान रखेंगे एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो क्या हो जाएगा, अगर 1 से बड़ी होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो गया तो मतलब tan इनवर्स नेगेटिव क्या होता था, माइनस tan इनवर्स x। फिर वहां पर फॉर्मूला हमारा अलग तरीके से डील होता है, ठीक है। तो इसके बाहर यहाँ पे उस केस में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो हम जो हमारा जो डोमेन रेंज है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इसको अगर हमने प्रूव करना है तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a, tan इनवर्स y इक्वल टू b। तो x इक्वल टू tan a, y इक्वल टू tan b। ये वाला tan इधर आएगा, tan ऑफ a प्लस b क्या बनता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, हो गया। वैल्यू पुट करेंगे x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, तो बन गया a प्लस b tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो हमारे पास बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो फॉर्मूला किससे आया, हमारा फॉर्मूला बना है tan a प्लस b से। मतलब सारे जो फॉर्मूले हमारे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले हैं उन्हीं पे बेस्ड ये सब से सब चीजें हो रही है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y, मतलब tan a tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan। बस ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वाले केस में इधर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y, ठीक है। ये कब वैलिड है, जबकि x इंटू वाई लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, अब यहां पर कुछ कंडीशंस और भी इसके साथ हो सकती है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है हम वो देख रहे हैं। फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया, बट ये फॉर्मूला कौन कौन सी कंडीशन में किस तरीके से वैलिड होगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला कंडीशन हो गया when x greater than 0, y greater than 0 and x into y less than 1, ठीक है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव x into y less than 1, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो ये दोनों के दोनों जो वैल्यू होगी tan इनवर्स है, tan इनवर्स की वैल्यू है, तो मतलब क्या होगा देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा tan इनवर्स x, इसको मैं रखता हूँ tan इनवर्स x, मतलब यहाँ क्या रख सकता हूँ x इक्वल टू, मैंने लिखा एक वैल्यू ले लिया 1/√3, दूसरी वैल्यू मैंने ले लिया √3, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है मतलब यहाँ पर ये दोनों की दोनों वैल्यू जो होगी 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगी, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, ठीक है। रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, वो बनेगा 0 से पाई बाय 2, क्योंकि पॉजिटिव है। ये वाली वैल्यू भी हमारे 0 से पाई बाय 2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर उस केस में हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे होगा ये भी देख लो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। वैसे हम इसको उस तरीके से भी देख सकते हैं, इसकी रेंज 0 टू पाई बाय 2, इसकी रेंज 0 टू पाई बाय 2, इसकी रेंज भी 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगी, क्योंकि x y हमारा ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू का मान लो यहां मैंने कर दिया x y लेस देन 1, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको कर दिया x y लेस देन 1, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने की वजह से ये वाली फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा,
ठीक है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं, ठीक है। क्या रखेंगे, x इक्वल टू वन, y इक्वल टू ले लो रूट थ्री, ठीक है। y इक्वल टू ले लो, क्या कंसिडर करेंगे, रूट थ्री। एक मिनट, x इंटू वाई हमारा लेस देन वन होना चाहिए ना, तो y इक्वल टू ले लो वन बाय रूट थ्री, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन लगेगी, अदरवाइज फिर क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो एल एच एस हमारा क्या बना, tan इनवर्स वन प्लस tan इनवर्स वन बाय रूट थ्री। tan इनवर्स वन का मतलब पाई बाय फोर, tan इनवर्स वन बाय रूट थ्री का मतलब पाई बाय सिक्स, ठीक है। तो पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्स 45 और 60, ठीक है, 45 और 30 ये बनता है 75 डिग्री। 75 डिग्री मतलब ये हो गया 12, यहाँ बना 3 पाई प्लस 2 पाई मतलब 5 पाई बाय 12, ठीक है। अब हम देखते हैं आरएचएस, आरएचएस क्या बन गया, tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3, सॉरी 1 प्लस 1 बाय रूट 3, 1 माइनस 1 बाय रूट 3, हमारे पास हो गया tan इनवर्स रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, एंड इसकी वैल्यू होगी वही सेम 5 पाई बाय 12। आई बात समझ में, अगर मान लो यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन वन हो जाता तो हमको इसको, क्योंकि ग्रेटर देन वन होने की वजह से ये क्या बन जाता, एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता, तो नेगेटिव होने की वजह से इसको ग्रेटर हमको लाना क्या पड़ेगा, जीरो से पाई बाय टू के बीच में, तो वहां पर हमारा कन्वर्जन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का सेकंड कर लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन, ठीक है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन वन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड हो गया नेगेटिव, मतलब राइट साइड की रेंज क्या हो गई, माइनस पाई बाय टू से जीरो, यही होगा। राइट साइड की रेंज क्या हो गई, माइनस पाई बाय टू टू जीरो। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला लग जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। एग्जाम्पल सेम ले लो, ये वन बाय रूट थ्री की जगह इसको मैं रूट थ्री ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल एच एस हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू रूट थ्री, तो एल एच एस बन गया पाई बाय फोर प्लस पाई बाय थ्री, ठीक है। आर एच एस हमारा हो गया पाई प्लस टैन इनवर्स, अब देखो एक्स प्लस वाई तो मतलब वन प्लस रूट थ्री, वन माइनस रूट थ्री, ठीक है, वन प्लस रूट थ्री, वन माइनस रूट थ्री, ठीक है, वन प्लस रूट थ्री, वन माइनस रूट थ्री, ये क्या बनता है, फाइव पाई बाय ट्वेल्व, 75 डिग्री, फाइव पाई बाय ट्वेल्व। तो हमारे पास पैटर्न क्या बन जाएगा, ये पाई माइनस फाइव पाई बाय ट्वेल्व, ठीक है, नेगेटिव हो गया ना ये, ठीक है, नेगेटिव बन गया ये। तो टैन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स, अगर वैल्यू जो है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में होगी, तो पाई माइनस फाइव पाई बाय ट्वेल्व कितना हो जाएगा, एलसीएम तो हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व पाई माइनस फाइव पाई मतलब सेवन पाई बाय ट्वेल्व। LHS का भी LCM लेकर के देखो तो 3 प्लस 4 क्या बनना है, 7 पाई बाय 12। यही बात समझ में, मतलब पैटर्न क्या आएगा, अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x y दोनों ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों साइड को इक्वेट करने के लिए हमको इसको लिखना पड़ेगा पाई प्लस टैन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, पहले इसको रब कर दे रहा हूं मैं।
तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर x नेगेटिव y नेगेटिव हो तो क्या होगा, ठीक है, तो उन कंडीशंस को भी हम देख रहे हैं। अब मैं दो कंडीशन हमारी हो गई, अब मैं थर्ड कंडीशन देख रहा हूं इसी की, व्हेन एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एंड एक्स वाई लेस देन वन, ठीक है। अब देखो एलएचएस नेगेटिव और आरएचएस भी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है तो आरएचएस भी क्या होगा, नेगेटिव। सेम एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू क्या लिया मैंने, माइनस वन, y इक्वल टू लिखा मैंने माइनस वन बाय रूट थ्री, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो उस केस में हमारे पास बन गया एल एच एस इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस वन, टैन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री, ये बन गया माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। एलसीएम इसका हो गया 12, ठीक है, तो यहां बना 3 2 माइनस 5 पाई बाय 12, ठीक है, माइनस 5 पाई बाय 12। नेक्स्ट हम आते हैं आरएचएस में, आरएचएस में हमारे पास क्या बना, टैन इनवर्स माइनस 1 माइनस 1 बाय रूट 3, फिर बनेगा वन प्लस वन बाय रूट थ्री, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री प्लस वन, यहां माइनस ही रहेगा, अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ठीक है, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ठीक है। तो टैन इनवर्स नेगेटिव हो गया, ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली वैल्यू, ये बनेगा 5 पाई बाय 12, मतलब ओवरऑल क्या बना, माइनस टेन इनवर्स एक्स मतलब 5 पाई बाय 12, ठीक है। तो पहले वाले केस में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स वाई लेस देन वन, उसमें यही वाली प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगी, ठीक है, बट सेम रहेगा अगर एक्स वाई वन से बड़ा हो जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है। फोर्थ वाली कंडीशन, व्हेन एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स वाई ग्रेटर देन वन, तो हमारा फॉर्मूला बनता है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई माइनस पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। बात समझो, अगर एक्स वाई वन से छोटा हो गया तो डिनोमिनेटर नेगेटिव और न्यूमरेटर तो नेगेटिव है ही, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड तो कंप्लीट हमारा नेगेटिव है, राइट साइड हो गया पॉजिटिव, दोनों साइड को कंपेयर करने के लिए क्या ऐड करेंगे, माइनस वाई, ठीक है। सेम एग्जांपल हम रख के देख लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके, तो एलएचएस हमारे पास है एक्स इक्वल टू मैंने लिया माइनस वन, वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री, एलएचएस हमारा हो गया, एलएचएस बन गया टैन इनवर्स माइनस वन प्लस टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो बना माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय थ्री, ठीक है। एलसीएम हो गया 12, बन गया माइनस सेवन पाई बाय 12, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आरएचएस, आरएचएस हमारा हो गया माइनस पाई प्लस टैन इनवर्स, अब देखो माइनस वन माइनस रूट थ्री, ठीक है, फिर वन प्लस रूट थ्री, ये बनेगा, सॉरी कुछ गड़बड़, वन माइनस रूट थ्री बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बना, माइनस पाई प्लस टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री प्लस वन है। इस माइनस को मैं एडजस्ट कर दे रहा हूं, रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन, ठीक है।
रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन किसके इक्वल होता है, फाइव पाई बाय ट्वेल्व के, तो बन गया माइनस फाइव प्लस फाइव पाई बाय ट्वेल्व। ठीक है, तो माइनस फाइव प्लस फाइव पाई बाय ट्वेल्व, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस सेवन पाई बाय ट्वेल्व। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। ठीक है, तो मतलब एक बात ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा है ये सब चीजें, थोड़ा करना पड़ जाता है एडजस्टमेंट। देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई। देखो, दिक्कत तब नहीं है जबकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का साइन सेम है, मतलब दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाए, लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो जाए, राइट साइड नेगेटिव हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर पाई को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव हो जाए तो पाई को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव हो जाए तो माइनस पाई को ऐड करेंगे। बस ये कंसेप्ट दिमाग रखना है, अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव और राइट साइड भी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड भी नेगेटिव बन रहा है, तो उस केस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। बट लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड इसके अंदर पॉजिटिव बन जाए तो माइनस पाई ऐड करेंगे। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव माइनस पाई ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव तो प्लस पाई ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बस दो ही कंसेप्ट है, उसके हिसाब से देख लेना, हमारा फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतने ही फॉर्मूले करते हैं, बाकी फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में।